हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब दोस्तों। एमएक्स टकाटक में बहुत सारे अपडेट आ चुके हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एमएक्स टकाटक में वीडियो बनाते हो, आप एमएक्स टकाटक के क्रिएटर हो दोस्तों, एमएक्स टकाटक में लाइव स्ट्रीम और आपको बीटा वर्जन में कैसे करना है, आपको इस तरीके से मैसेज का ऑप्शन कैसे लाना है, और आप जो है अपने फ्रेंड के साथ काफ़ी सारे चैटिंग्स वगैरह सारी कर सकते हो। एमएक्स टकाटक वालों ने जो है मैसेज का भी आइकन दे दिया यहाँ पे, यानी कि आप टिकटॉक और स्नैक वीडियो की तरह सारे फ्यूचर जो है अब एमएक्स टकाटक में आ चुके हैं। इस वीडियो में आपको तीन सेटिंग्स बताऊंगा, आप तीनों सेटिंग्स को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, वरना आप कहोगे सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, सर मुझे वो प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे मैं सारी की सारी प्रॉब्लम सोल्व करूंगा। मैं आपको तीन सेटिंग्स बताऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा आप लाइव ऑप्शन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और अपने एमएक्स टकाटक को बीटा वर्जन में कैसे ला सकते हो। आप बीटा वर्जन में अगर अपने एमएक्स टकाटक को नहीं लाओगे तो उसमें ना ही आपको लाइव ऑप्शन मिलेगा, ना ही आपको जो वहां पे चैटिंग का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं सारी की सारी डाउट जितने भी एमएक्स टकाटक में नई न्यू से न्यू अपडेट आए हैं इन सारे अपडेट्स के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। बाद में ये मत कहना सर मुझे ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, मुझे सही टाइम पे ये सब बताया नहीं, तो ये मैं अभी आपको पूरी पूरी लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपको सारी की सारी सेटिंग्स को ऑन कर लेना है, लाइव ऑप्शन और सारे के सारे फ्यूचर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट गाइस, वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस चैनल पे आपको एमएक्स टकाटक से रिलेटेड काफी सारी वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे मोबाइल की स्क्रीन शो हो रही है, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आप अपने एमएक्स टकाटक ऐप को बीटा वर्जन में कैसे कर सकते हो। अगर आप अपने एमएक्स टकाटक को बीटा वर्जन में नहीं करोगे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या काम करना है, सबसे पहले अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है एमएक्स टकाटक। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ही एमएक्स टकाटक सर्च करोगे, एमएक्स टकाटक सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से लोगो होगा। यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर की ओर स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको देख सकते हो ज्वाइन बीटा का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ अपने ज्वाइन बीटा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको ज्वाइन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही ज्वाइन पे क्लिक करोगे आपका एमएक्स टकाटक जो है बीटा वर्जन में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एमएक्स टकाटक बीटा वर्जन में जो है कन्वर्ट हो चुका है। सिंपली दोस्तों आपको उन फ्यूचर को देखना कहाँ है, सबसे पहले आपने क्या काम करना है, अपने एमएक्स टकाटक के ऐप को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो मैंने अपने एमएक्स टकाटक ऐप को ओपन कर लिया है। देख सकते हो मैं किसी की प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, किसी की प्रोफाइल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मैसेज का आइकन आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ मैसेज का आइकन आ चुका है। अब मैसेज का आइकन तो आ चुका है, यहाँ से हम चाहें तो इसके साथ यहाँ पे कोई भी ग्राहक चैट भी कर सकते हैं, जैसे हाय हेलो, मैं यहाँ पे सारा सब कुछ यहाँ पे कर सकता हूँ और अच्छा खासा यहाँ पे चैटिंग भी कर सकता हूँ। यहाँ पे सब कुछ ऑन हो चुका है एमएक्स टकाटक की ओर से, ये देख सकते हो सारा का सारा न्यू अपडेट आ चुका है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने आपको ये तो कंफर्म कर दिया आप बीटा वर्जन में कैसे कर सकते हो। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको तो यहाँ पे फिर मैं आपको बता देता हूँ आपको लाइव स्ट्रीम कैसे लेनी है। ठीक, अब आपको एमएक्स टकाटक ऐप को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या काम करना है, आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, नोटिफिकेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही नोटिफिकेशन ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मैसेज का ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको अप्लाई टू गो लाइव पे क्लिक करना है। आप जैसे ही अप्लाई टू गो लाइव पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से ये प्रोसेस करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लोडिंग ले रहा है। ठीक है, इस तरीके से लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन इज क्लोज्ड, प्लीज इट्स टाइम टू ऑफ लाइव स्ट्रीम। मतलब यहाँ पे जिस दिन इस लाइव स्ट्रीम का जो है यहाँ पे फ्यूचर एमएक्स टकाटक वाले ने ऑन किया था तो वहाँ पे इसे 6 घंटों के लिए ऑन किया था। ठीक है, ये शाम को 3 या 4 बजे के टाइम पे आया था और ये लमसम में 9-10 बजे के आसपास ही रहा। इसके बाद में लोगों ने इसमें लाइव स्ट्रीम नहीं जा पाए थे। ठीक है, जिन लोगों ने इसमें अप्लाई कर दिया था उन लोगों को तो अप्लाई हो चुका है। दोस्तों अभी ये फिर से अपडेट होगा, एमएक्स टकाटक फिर से अपडेट होगा। अपडेट होने के बाद जिस दिन लाइव स्ट्रीम आएगी उस दिन मैं तुरंत ही वीडियो बना दूंगा और आप उसमें जो है लाइव ऑप्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अभी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि लाइव ऑप्शन बंद है। इसमें लाइव ऑप्शन के लिए अप्लाई आप नहीं कर सकते हो क्योंकि वहां पे सिर्फ 6 घंटों के लिए फॉर्म भर सकते थे और आप लाइव ऑप्शन के लिए अप्लाई कर सकते थे। अगर और भी किसी प्रकार की आप कोई प्रॉब्लम है प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।